स्मार्ट बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। बिहार में गंगा नदी इस कदर उफान पर है कि राजधानी पटना में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा इस कदर उफान पर है कि कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवाड़ा, लखनदेई और बलान का पानी वापस लौट रहा है। नदियों का पानी गंगा में जा ही नहीं रहा है। यही वजह है कि बाढ़ का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। वहीं बक्सर से फड़क्का तक सभी जगहों पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से पटना में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दीघा और गांधी घाट में भी नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 24 से 17 सेंटीमीटर बढ़ा है। अगर पानी लगातार बढ़ता रहा तो बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। राज्य की करीब दर्जन भर नदियां फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं महागंगा नदी भी जल्द ही खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि फड़क्का बैराज के कुल 108 गेट खुलने के बाद भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के 46 सेंटीमीटर ऊपर है और मंगलवार तक इसमें 12 सेंटीमीटर की और बढ़ोतरी हो सकती है। पटना में गंगा के साथ पुनपुन और सोन नदी भी खतरे के लाल निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। राजधानी पटना सहित अन्य 22 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दरअसल बिहार की 5 नदियों का पानी यमुना में जाकर मिलती है, वहीं गंगा यमुना प्रयागराज से जाकर मिल जाती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में भी तबाही के हालात बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पहले से ही बाढ़ से जूझ रहा है और अब बिहार में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों के कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिलों के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान है। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगहों पर अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो यहां भी अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को इन जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित इसके सटे इलाके के एक दो जगहों पर बारिश की भी संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।